चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ डॉक्टर केसी सिन्हा की एक्सरसाइज 8.2 का प्रश्न संख्या 9 और 10। इसके पहले 8 तक सारे प्रश्नों का सोल्यूशन कर लिए हैं। अगर जो उन सारे वीडियो को आप नहीं देखें तो उन सारे वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए इस प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9th में प्रश्न हमारा है, यदि साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 और कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2 तब ए और बी का मान ज्ञात करना। बहुत ही आसान प्रश्न है, बशर्ते आपको साइन कॉस टैन ये सब का सारा वैल्यू याद रहना चाहिए। चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो लिखा हुआ है वहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे एक बार इसको हम दोहरा लेते हैं, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या है 1 है। अब देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करना है। देखिए ए साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 जो है इसको सॉल्यूशन करते हैं तो इधर में जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, साइन ए प्लस बी और इक्वल टू, देखिए अब 1 जो होता है साइन के वैल्यू में किसका मान होता है तो 1 जो होता है साइन 90 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो 1 के स्थान पे हम लोग साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों पक्षों में साइन आ गया, देखिए इधर में क्या है साइन ए प्लस बी और इधर में क्या है साइन 90 डिग्री, तो साइन से साइन क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल हो गया है ना, कैंसिल कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये हमारा वैल्यू आ गया, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए है ना। इसके बाद चलिए फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस, पुनः यहाँ पे लिख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2 लिखा हुआ है। चलिए इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2 है। अब देखिए यहाँ पे √3/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है उसी तरह से आपको यहाँ पे मान को रख देना है। आप लिख लेते हैं सबसे पहले कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2 किसका होता है तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री है ना। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है, तो इसका वैल्यू याद रखना है साइन कॉस टेन में क्या क्या किसका क्या होता है। देखिए आप इधर में भी कॉस है, राइट हैंड साइड में भी कॉस है और लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉस है, तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, बच जाएगा हमारा ए माइनस बी और इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री है ना। अब ये हो गया हमारा समीकरण 2, क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। अब क्या कीजिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, लिख दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कीजिए समीकरण 1 को 2 से जोड़ दीजिए, आप यहाँ पे लिख सकते हैं पूरा समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर है ना। चलिए अब इधर में कर लेते हैं, देखिए समीकरण 1 कितना है तो a है और प्लस में b है और मान कितना है इधर में 90 है, 90 डिग्री रह जाएगा। समीकरण 2 कितना है तो a है माइनस है b है और इधर में क्या है 30 डिग्री है तो 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसको क्या करना है जोड़ना है, देखिए जोड़ेंगे तो a में a जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा है ना। अब देखिए प्लस भी है और माइनस भी है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, तो बी से बी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू, अब 90 में 30 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 120, तो 120 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 से क्या कट जाएगा 120 60 मरतबे तो यहाँ पे 60 डिग्री। अब यहाँ से ए का वैल्यू हमारा जो आ जाएगा ये 60 डिग्री रहेगा, कितना रहेगा 60 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग को बी का भी वैल्यू निकालना है तो आप लिख सकते हैं ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करना है ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। समीकरण 1 कितना है ए प्लस बी बराबर है 90 डिग्री है ना, ये समीकरण 1 है। अब ए का वैल्यू हमारा 60 दिया होता है, यहाँ पे ए के जगह पे 60 डिग्री लिख दीजिए प्लस में बी और इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ से बी का वैल्यू निकालना है तो बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री और ये माइनस में हो जाएगा 16 डिग्री
अब देखिए यहाँ से बी का जो वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा कितना 30 डिग्री। तो हम लोग दोनों वैल्यू निकाल चुके हैं, ए और बी का मान लिख सकते हैं आप यहाँ पे। अतः नीचे में लिख लीजिएगा, मेरा जगह नहीं बच रहा है इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। अतः ए बराबर कितना डिग्री आया है, तो ए बराबर 60 डिग्री आया है ना, और बी का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, 30 डिग्री आया है। ये आपका आंसर हो गया है ना, क्वेश्चन नंबर 9th का हम लोग सोल्यूशन कर लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का प्रश्न बिल्कुल वैसे ही है, इसको सिर्फ समझ लेना है एक बार। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है, यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1, बिल्कुल वही वाला प्रश्न यहाँ पे भी है, सिर्फ यहाँ पे कॉस ए माइनस बी बराबर यहाँ पे 1 कर दिया है ना। चलिए वहां पे क्या था, वहां पे था √3/2, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 है। तो चलिए बिल्कुल उसी तरह से ये भी प्रश्न सोल्यूशन होगा। सबसे पहले वही कर लेते हैं, क्या यहाँ पे है साइन क्या है ए प्लस बी बराबर में है 1। बिल्कुल उसी तरह से करना सोल्यूशन, यहाँ पे साइन ए प्लस बी ए रहने देना है और इक्वल टू 1 किसका वैल्यू होता है साइन में, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है, साइन 90 डिग्री यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या हमारा ए और प्लस में बी और इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे कितना, 90 डिग्री बच जाएगा है ना। अब देखिए ये आपको समीकरण 1 बन गया। अब चलिए यहाँ पे पुनः यहाँ पे क्या है कॉस ए माइनस बी बराबर 1, यहाँ पे लिख लीजिए कॉस ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा है ना। अब देखिए यहाँ पे कॉस में 1 का मान कितना का होता है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कॉस ए माइनस बी बराबर, कॉस में यहाँ पे 0 डिग्री का मान होता है, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1 होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री है ना। अब यहाँ पे कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए माइनस बी बराबर कितना लिख सकते हैं, 0 डिग्री। ये आपका समीकरण 2 बन जाएगा। अब यहाँ से क्या कीजिए, समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ दिए, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर जोड़ दीजिए और यहाँ पे मान को निकाल लेते हैं। समीकरण 1 कितना है, तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है और दूसरा क्या है ए माइनस बी बराबर क्या है, 0 डिग्री है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, जोड़ना है तो जोड़ का निशान भी आप लगा सकते हैं, ए ए जुड़ेगा तो 2a हो जाएगा और बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे तो 45 डिग्री आएगा, क्योंकि 2 से 90 कट जाएगा, कितना में आता है 45 में आता है, तो यहाँ 45 आ गया, ए का वैल्यू आ गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे ए का वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे ए का वैल्यू समीकरण में, क्योंकि यहाँ पे बी का भी वैल्यू हमको ज्ञात करना है, तो ए का वैल्यू ज्ञात हो गया, तो लिख सकते हैं ए का मान समीकरण 1 में रखने पर है ना, इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए ए का मान यहाँ पे रख देते हैं, ए प्लस बी बराबर क्या है हमारा, 90 डिग्री है, ए का वैल्यू यहाँ पे 45 रखते हैं और प्लस में हो जाएगा बी बराबर 90 डिग्री, 45 डिग्री। अब यहाँ से बी का जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग, देखिए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री और माइनस में चला जाएगा 45 डिग्री। अब यहाँ से बी का जो वैल्यू हमारा निकलेगा 45 डिग्री आएगा, तो ए और बी का भी वैल्यू हमारा क्या आ गया है, 45 डिग्री आ गया। लिख सकते हैं यहाँ पे अतः ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर भी 45 डिग्री, ये आपका सोल्यूशन हो गया। और ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 तक के हम लोग सारे प्रश्न कर लिए, 8.2 का सारा प्रश्न हो गया। चलिए आगे में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 8.3 का सोल्यूशन। तो आज के वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा मेरा, तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कहीं पे डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।